हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग क्लास सेवन का देखेंगे। क्लास सेवन का सब्जेक्ट हम लोग मैथ लेके चलेंगे। सब्जेक्ट मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो मैथ में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या होगा? मेंसुरेशन, ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन। अब देखिए मेंसुरेशन क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं सर, मेंसुरेशन इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि मेंसुरेशंस भी बोल सकते हैं या मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होती है? तो हम लोग इसके बारे में ना, कोई भी फिगर है जो कि प्लेन फिगर होगा, उसका हम लोग का एरिया निकालना है और उसका ब्रेथ निकालना है। तो एरिया भी निकाल सकते हैं, ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं, एज इट इज़ हम लोग उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का बहुत सारे होते हैं जिसको हम लोग निकालना चाहेंगे। तो जैसे अब देखो कि क्लास सेवन का मेंसुरेशन निकालते हैं, तो हम लोग का कुछ भी निकाल सकते हैं सर, एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि सर एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर भी बोल सकते हैं, प्लेन फिगर भी बोल सकते हैं, है ना, प्लेन फिगर्स। तो ये प्लेन फिगर ही नहीं रहेगा, बहुत सारा फिगर रहेगा। तो देखो पहले हम लोग देखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर भी हम लोग का क्या होता है, मेंसुरेशन के अंडर भी ही आते हैं। तो हम लोग को अभी फिलहाल प्लेन फिगर में देखते हैं। तो प्लेन फिगर एज इट इज़ हम लोग बोल सकते हैं, किसको किसको बोल सकते हैं प्लेन फिगर? तो देखो प्लेन फिगर हमारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगल आते हैं, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं क्या, इसका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसा होती है? तो हम लोग जानते हैं सर, रेक्टेंगल का जो होता है ना, अपोजिट साइड हम लोग का क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि सर ये और ये हम लोग का इक्वल हो गया, एंड ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गया, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। किस में होता है? वो रेक्टेंगल में होता है। उसी तरह से एक और आता है जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है ना, तो इसमें भी ए बी सी एंड डी। अब इसमें देखेंगे ए बी सी डी जब हो गया हमारे पास, तो इसमें ऑल साइड आर क्या होता है, इक्वल होता है, जिसका नाम हो जाता है क्या, ए स्क्वायर। ओके, यस। तो हमारे पास प्लेन फिगर ये जान लेते हैं। अब इसमें से हम लोग को बताना है सर एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, दोनों चीज़ का। तो कैसे निकालेंगे? तो दोनों चीज़ का निकालने के लिए ना, सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देखो दोनों चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चलो पेरीमीटर निकालना सीख जाते हैं। किसका सर निकालेंगे? पहले हम लोग रेक्टेंगल का निकालेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर का निकालेंगे। तो चलो रेक्टेंगल को लेकर चलते हैं। किसको लेकर के चलते हैं? रेक्टेंगल। तो अब निकालते हैं सर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होती है? तो पेरीमीटर आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल नाम लिखा हुआ है ए बी सी डी। तो अब अगर इसका निकालना है तो इसके लिए हम लोग को क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होती है कि पेरीमीटर का मतलब ही होता है सर सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ ऑल या सम ऑफ इट्स बाउंड्री, है ना, सम ऑफ इट्स बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो हम लोग कैसे भी बोल सकते हैं कि ये टोटल जो लेंथ है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि चारों ओर से, यानी फोर साइड का जो टोटल लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर। तो अब बता रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल किसका, लेंथ का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है सर? ए बी सी एंड डी, ये हमारे हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? तो ध्यान देना कि ऑल साइड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए एंड डी। तो ए डी हम लोग का हो गया, ये चारों लेंथ आ गया, यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब थोड़ा सा ये हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल में ना लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो लेंथ को हम लोग लेंथ मान लेते हैं, चलो इसको हम लोग एल मान लिए और इसको ब्रेथ, तो ये भी एल हो जाएगा और ये भी ब्रेथ हो जाएगा। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना हो गया सर, यहाँ पर हमारे पास एल आ गया, तो यहाँ पर एल लिखेंगे प्लस बी सी की जगह बी लिख लेंगे प्लस सी डी की जगह फिर एल लिखेंगे प्लस ए डी की जगह बी लिख लेंगे। तो अब देखो हमारे पास एल प्लस एल क्या हो जाएगा, टू एल हो जाएगा, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सर ये एल और बी कहाँ से आया, तो ये लेंथ ऑफ ए बी का, ए बी का लेंथ कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना आ गया, एल।
यानी कि L लिख दिए। BC का लेंथ कहाँ आया सर, यहाँ से यहाँ तक BC है तो B लिख दिए। और CD का लेंथ क्या है हमारे पास, L लिखे है, AD का B लिखे है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद L और L 12, B और B 2B। तो अब हमारे पास दोनों जो 12 प्लस 2B आया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है क्या? यस, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो कॉमन हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, L प्लस B। तो अब देखो ये हमारे पास कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्रिएट हो रही है। तो हम लोग लिखते हैं, नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफोर कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B। अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B। अब ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो गया सर। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला रेक्टेंगल निकालते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का यूज़ नहीं करके, इस तरह का हम लोग का टोटल लंबा प्रोसेस नहीं करके, ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कम्प्लीटली मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। यस, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये मैथ भी कैलकुलेशन भी समझ में आ गया कि कैसे हम लोग का ये फॉर्मूला क्रिएट किए। ओके, यस, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। से नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे क्या, इसका पेरीमीटर हो गया, अब इसका एरिया निकालने के लिए सोचेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है। ओके, यस, तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। यस, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होती है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होती है? तो अब हम लोग का बोलता है सर कि यहाँ पे एरिया क्या होती है, तो एरिया पहले जान लो कि एरिया का मतलब होता है सर, इसमें टोटल जो जगह है ना, ये टोटल जगह को ही एरिया हम लोग कहते हैं, यानी कि जितने भी एरिया यहाँ पे अराउंड है, यानी कि बोलते हैं एक तरह का कि जो हम लोग घेर के रखे हैं, जो एरिया हम लोग का अंडर में है, उस एरिया का टोटल एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, यानी टोटल जगह जो टोटल प्लेस है उसी को क्या कहेंगे, हम लोग एरिया कहेंगे। तो अब टोटल को लेने के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, तो टोटल को लेने के लिए ये जो लेंथ है और ब्रेथ है इसको इंटू कर देंगे तो ओवर सब आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ जैसे रॉ और कॉलम को अगर हम लोग बोलते हैं ना कि एक बगीचा में हम लोग का एक रॉ 10 रॉ है और 5 कॉलम है, एक रॉ में हम लोग का 5-5 क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो टोटल कितने हो गए, तो हम लोग 10 × 5 करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी करना है, तो एक हम लोग का ये हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, तो दोनों को हम लोग क्या करना है, इंटू कर देना है। तो उसी लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। यस, तो अब देखो कहने का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अब हमारे पास आ गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ये फॉर्मूला है, इसीलिए इसमें टोटल कवर आ जाएगा, यानी कि जितने भी प्लेस है ना सारा इसी में आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एल इंटू बी भी बोल सकते हैं या लेंथ इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया। अब ये सर कैसे बनेगा, एज इट इज़ हम लोग इसका फॉर्मूला अगर लेंगे तो हम लोग मैथ एग्जाम्पल बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, अब हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर भी जानेंगे। ओके, यस, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या जानेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है, तो सेम वही है सर कि सम ऑफ All sides of a square, यानी कि स्क्वायर का टोटल साइड को ऐड करेंगे। तो कैसे सर, तो टोटल साइड कौन कौन सा है, तो हम लोग करके देखते हैं। तो टोटल साइड देखो, ये भी पहला साइड हो गया, बी सी सेकेंड साइड हो गया, सी डी हम लोग का थर्ड साइड हो गया, और ए डी हम लोग का फोर्थ साइड हो गया। तो अगर हम लोग लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो चारों साइड हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इस चारों साइड को हम लोग ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो लेंथ है ना, साइड को कुछ ना कुछ हम लोग वैल्यू मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं, इसको ए मान लेंगे, ये भी ए है, ये भी है, ये भी ए है, यानी साइड इक्वल टू ए मान लिए। जब ए मान लिए तो टोटल साइड आर इक्वल होती है ना, यस, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सर सब जगह ए क्यों लिख दिए,
सर इसीलिए लिखे क्योंकि सर ए बी का लेंथ हम लोग का ए है, बी सी का भी लेंथ ए है, सी डी का भी लेंथ ए है, और ए डी का भी लेंथ ए मीटर ही है, या मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये चारों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, 4a, क्योंकि सर 1 2 3 4, तो 4a हो गया। तो 4a जो हो गया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वेट ए मिनट, यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलेंगे सर, 4a, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि और 4 into side भी बोल सकते हैं। तो एक आप लोग साइड नहीं बोलेगा क्योंकि 4 into side भी, सॉरी साइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 4a भी बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं तो 4a बोलेंगे, अगर साइड लिख के अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग 4 into side भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग का क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी हम लोग का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालनी है तो ये तरह का सॉल्व नहीं करके हम लोग का शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करना है और जल्दी से उसको सॉल्व करके कंप्लीट करना है, जिससे कि हम लोग को टाइम सेव होगा। और यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। अब बता रहे हैं सर यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, सर पेरीमीटर जब भी निकालेंगे तो वो ओनली यूनिट फॉर्म में होगा, ना कि हम लोग का स्क्वायर ही होगा यानी क्यूब होगा, ये दोनों नहीं होकर के सिर्फ ओनली यूनिट फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यूनिट बोले के क्या सर, तो सेंटीमीटर तो होगा सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, बट इसमें कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं रहेगा, ओके, यस। चलो तो ये हम लोग का क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर भी तो हो सकता है, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर भी होगा, तो हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, तो यहाँ पे भी हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू जब ब्रेथ होगी तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ का दोनों का वैल्यू तो सेम हो जाएगा ना, यानी ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो साइड स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफोर कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, ओके। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग का, यानी कि चार फॉर्मूला क्रिएट किए सर आज हम लोग। तो ये चारों फॉर्मूला को आप लोग इसी तरह से अच्छा से ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व किए, और इसी तरह से याद रखिएगा ना, तो बाकी अगर हम लोग का मैथ जब बनाएंगे तो उस समय ईजी फॉर्म में हम लोग का जल्दी जल्दी मैथ बन भी जाएगा और जल्दी हम लोग का टाइम भी सेव होगा, ओके, यस। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे एक मैथ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड, तो अगर हम लोग का मान लेते हैं कि एक हम लोग का मैथ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 सेंटीमीटर क्या होगा, चारों साइड में हम लोग का 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो 4 सेंटीमीटर जब होगा तो हम लोग क्या जानते हैं सर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग साइड इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है कि जब साइड इक्वल टू दिया हुआ है, साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग का जब साइड दिया हुआ है तो निकालना क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड भी कर सकते हो, है ना। तो हमारे पास अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो अब इसको इंटू करो तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यस सर। तो अब हम लोग का पता चल रहा है कि जब भी एरिया निकालनी है तो वो हमारे किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि ये स्क्वायर यूनिट में देना है, यानी एरिया निकलेगा तो स्क्वायर यूनिट और पेरीमीटर निकलेगा तो सिंपल यूनिट, ओके, यस। तो चलिए दोस्तों या बच्चों, कि आप लोग को यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो टॉपिक लेके चल रहे थे, अब इससे रिलेटेड हम लोग को मैथ सॉल्व करना है, जो कि एक्सरसाइज में जाके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू एंड टाटा बाय।